Yo, what's up, guys? Welcome back in Minecraft Pocket Edition. तो गाइस आज हम फिर से आ चुके हैं अपने एस्ट्रोलैंड में। तो गाइस आज हम लेकर आने वाले हैं अपने लिए फुल डायमंड का आर्मर। उससे ना गाइस हमारे लिए यहाँ पे थोड़ा सा ना सरवाइव करना इजी हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ना डायमंड का आर्मर ही लेकर आ जाते हैं, बाकी काम हम बाद में करेंगे, घर बनाना वगैरह वगैरह। इसलिए गाइस मैंने सोचा ना पहले ना हमारे पास होना चाहिए एक डायमंड का आर्मर। बात तो सही है। तो उसके लिए ना गाइस हमें माइनिंग पे जाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही बोरिंग होता है यार। सच में गाइस बहुत बोरिंग लगता है माइनिंग में, इतने इतने टाइम लगता है यार, क्या ही बताऊं डायमंड्स ढूंढने में। तो गाइस यार आर्मर तो चाहिए ना, तो लेट्स गो, अब चलते हैं गाइस माइनिंग पे। चलो भाई। तो गाइस उससे पहले ना माइनिंग पे चले ना, मैं तुम्हें अपना घर दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस मेरा कितना अच्छा सा घर बनाया अभी के लिए तो मैंने, और मैं बाद में अच्छा सा इससे भी बढ़िया सा बड़ा सा घर बनाऊंगा भाई, तुम लोग देखते रह जाओगे क्या ही घर बनाया है। तो गाइस अब मैं तुम्हें छोटा सा टूर दे देता हूँ अपने घर का। ये देखो यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ही फूल से डेकोरेशन की है, यहाँ पे ये ट्रैप डोर लगा कर ऐसा गार्डन सा बना दिया, और यहाँ पे गाइस ये लावा तो देखो जरा। ये भाई अरे यार गाइस ये देखो कितना क्यूट है ना ये छोटा सा लावा, उसे छोड़ते भाई। अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो बैम्बू भी लगाए हैं मैंने, और ये देखो गाइस मैंने वुड ना गाइस जहाँ पे घर था उसको सारी वुड चोरी कर ली भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पे गाइस जो विलेजर का घर था मैंने तो उसे तोड़ कर उस बेचारे को ना वे घर कर दिया, उससे ना गाइस अपना घर फिक्स कर लिया बेचारे, पता नहीं कहाँ चला गया होगा अब तक। तो गाइस अब ना चल कर ना मैं तुम्हें अंदर से इसका टूर दे देता हूँ, और रात भी तो वैसे हो ही गई है, सोना भी पड़ेगा। और यहाँ पे ना गाइस ये फर्नेस वगैरह है मेरे पास, और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल और ये चेस्ट है। चेस्ट में देखो गाइस खाने की तो कोई कमी नहीं है, हे बेल भी कितना सारा है, और रो मीट वगैरह भी काफ़ी है भाई। और यहाँ पे गाइस वुड का आइटम वगैरह रखा है जो कि मैंने अभी यूज़ किया है। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा बहुत ये नेदर रैक वगैरह है। तो यहाँ पे आ जाते हैं ऊपर, ऊपर से गाइस ये हमारा बेड और ये मेरी ट्रेजर चेस्ट है जहाँ पे मैंने अपना सारा कीमती सामान रखा हुआ है, डायमंड का और आर्मर है। और यहाँ से मुझे ना गाइस आयरन चाहिए ताकि ना मैं एक आयरन की पिकेक्स बना पाऊँ, उससे पहले गाइस सो जाते हैं। The next day. तो गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, अब ना गाइस चलते हैं। पहले ना गाइस मुझे यहाँ पे बनानी पड़ेगी एक आयरन की पिकेक्स, और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल ये रही। तो गाइस जल्दी से बना लेते हैं आयरन की पिकेक्स। तो गाइस ये मेरी क्राफ्ट कर ली है आयरन की पिकेक्स। मैं ना गाइस इतना खुश हो गया था इस गोल्ड के आर्मर से ना भाई, मैं तो भूल ही गया था यहाँ पे ना गाइस गोल्ड के ब्लॉक्स भी तो मिलते हैं। अरे भाई मैं तो उन्हें लेना ही भूल गया यार, और यहाँ पे होने तो चाहिए भाई, यहाँ कहीं तो हो गए ना। अरे यार डैमेज फालतू में पड़ रहा है भाई, अरे यार इनको तोड़ो भाई, यहाँ पे होना तो चाहिए भाई गोल्ड का ब्लॉक। हाँ अरे भाई दिख गया यार, ये देखो गाइस यहाँ पे एक तो मिल चुका है भाई मुझे, जल्दी से इसे कलेक्ट कर लेता हूँ भाई। चलो चलो भाई, ये देखो गाइस एक गोल्ड का ब्लॉक, एक और होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, यहाँ होगा भाई। ये देखो गाइस यहाँ पे भी एक और गोल्ड का ब्लॉक है, लो भाई अब इसे भी माइन कर लिया। अब ना गाइस चलते भाई इसे अपनी ट्रेजर चेस्ट में रख देते हैं। और कुछ दे क्या भाई यहाँ पे, और तो गाइस कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑब्सीडियन तो है भाई, उसके लिए डायमंड की पिकेक्स चाहिए। और तो गाइस चलो भाई यहाँ से चलते हैं, इसको गोल्ड को ना अपनी ट्रेजर चेस्ट में रख देता हूँ, बिल्कुल ही सेफली होगा वहाँ पे। तो यार अरे भाई यार इसमें ना गाइस ये चढ़ना बहुत ही मुश्किल है यार। तो गाइस ये मेरे गोल्ड के ब्लॉक से यहाँ पे रख दिए। तो गाइस अब ना चलते हैं हम माइनिंग पे, उससे पहले का जो भी मुझे सामान नहीं चाहिए ना मैं इस चेस्ट में डाल देता हूँ, फिर हम चलते हैं। लेट्स गो गाइस। A few moments later.
तो गाइस मैंने यहाँ पे ना अपनी इन्वेंटरी को क्लियर कर दिया। अब ना बस मुझे यहाँ से थोड़ा स्टोन चाहिए पिकेक्स बनाने के लिए। तो गाइस अब हम जानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं माइनिंग पे। तो गाइस अब ना बस मुझे यहाँ पे केव चाहिए। उससे पहले गाइस मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ जिससे ना तुम्हें केव्स में बहुत ईजी हो जाएगा। पहले गाइस उसके लिए ना मुझे बस एक बेड चाहिए, और यहाँ पे भी वैसे एक बेड तो पड़ा है भाई, यहाँ से कुछ नहीं चाहिए भाई। और तो गाइस हम माइनिंग के लिए तो इस तरफ जाने वाले, तो उससे पहले गाइस मैं तुम्हें थोड़े से ट्रिक के बारे में बता देता हूँ। उससे पहले गाइस तुम्हें अपने घर के कोऑर्डिनेट्स भी याद रखने पड़ेंगे। ओके। तो गाइस उससे पहले ना मुझे केव को ढूंढना पड़ेगा यार, यहाँ आसपास होनी तो चाहिए भाई केव। तो मुझे लगता है गाइस यहाँ पे होगी एक केव। ये देखो गाइस फाइनल। अरे भाई यार ध्यान से भाई, मरना नहीं है। अरे डैमेज ले लिया। तो गाइस यहाँ पे मुझे केव तो मिल चुकी है भाई, पर यहाँ पे मुझे आयरन कोल वगैरह तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे भाई दिखा थोड़ा सा कुछ तो दिखा यार। अरे यार कहाँ फंस गया, मुझे ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे, ऊपर जाना है भाई, ध्यान से जाना पड़ेगा यार, यहीं पर ना मर जाओ गाइस में। तो गाइस यहाँ पे ऊपर चलते हैं भाई, और यहाँ पे मुझे कोल मिल चुका है जो कि टॉर्चेस बनाने के लिए गाइस मुझे बहुत चाहिए यार। क्या ही बताऊँ गाइस, अंधेरा इतना होता है केव्स में। बात सही है। तो गाइस यहाँ से मैंने कोल तो माइन कर लिया, और चलते हैं सीधा नीचे केव में। भाई यार देखो, अरे यार कितनी डैमेज मिल रहा है भाई। अरे यार थोड़े टॉर्चेस अगर हाथ में यार जलने चाहिए, तो भाई ऑप्टिफाइन नहीं है गाइस इसमें, तो ऐसे ही लगा कर जाना पड़ेगा। मुझे लगा कुछ दिखा मुझे, अरे यार कुछ भी नहीं है। मुझे लगा यहाँ पे मुझे आयरन दिखा गाइस। अरे यार कोई बात नहीं गाइस, मुझे नीचे जाना तो है भाई। अरे भाई वो बच गया गाइस, मुझे तो लगा मैं गया यार। अच्छा हुआ कि गाइस ये ज़्यादा गहरी केव नहीं थी भाई, बच गया। खाना खा लेता हूँ अगर इससे पहले कि गाइस मर जाओ। ऊपर जाना है बस मुझे। अरे यार ये टॉर्च उठानी पड़ेगी। अरे भाई कितना अंधेरा हो गया यार। घर कोई बात नहीं, अब ऐसे ही ब्लॉक्स लगा कर ऊपर चलता हूँ। अरे यार यहाँ पे भी गाइस काफ़ी अंधेरा है वैसे। चलो भाई ऊपर ही चलते हैं, मुझे लग नहीं रहा गाइस ये ज़्यादा गहरी केव है। यहाँ पे मुझे पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं। तो यहाँ से आगे बढ़ते भाई। अरे यार ये इस ब्लॉक को तोड़ना पड़ेगा, यहाँ से स्टेयर बनानी पड़ेगी भाई। हाँ यहाँ पे और कुछ भी नहीं है तो अरे भाई भाई भाई, अरे गाइस एक हार्ट से बचाओ भाई। अरे यार मुझे तो लगा इस बात में सच में गया भाई, बच गया यार। अरे अंधेरा बड़ा है यार, यहाँ पे टॉर्च लगानी पड़ेगी। तो अब ठीक है ना गाइस, वैसे भी गाइस मुझे नीचे तो आना ही था, पर ऐसे नहीं यार। अरे भाई अब फिर से नीचे जाना पड़ेगा, ऐसे करता हूँ उसे खोद कर ही चलता हूँ भाई नीचे। हाँ यहाँ से ऐसे दो ब्लॉक खोदता हूँ, पहले अपने ये आगे वाला, फिर अपने नीचे वाला, फिर से आगे वाला, फिर से नीचे वाला। तो यार खाना खा लेता हूँ जल्दी से, हेल्थ फुल हो जाए, अगर फिर से गिर गया तो इस बार तो बचूंगा भी नहीं भाई। तो गाइस ऐसे करके ना मुझे नीचे तक माइन करते रहना पड़ेगा। अरे गाइस ये देखो क्या मिल रहा है यार, अभी तक वैसे कुछ मिला भी नहीं यार, आयरन वगैरह कुछ नहीं मिला। अरे ऐसे लगता है डीप स्लेवर आ गया भाई। ये देखो गाइस थोड़ा सा आयरन तो मिला मुझे। अरे भाई चलो गाइस यहाँ से आयरन माइन कर लेता हूँ। अच्छा वो थोड़ा सा तो मिला भाई। अरे यार मेरे अचीवमेंट गाइस देखो, फर्स्ट टाइम ही आयरन माइन किया है। पहले तो गाइस मुझे वो चेस्ट में से ही मिले थे बस 3 आयरन वगैरह, और यहाँ से आयरन माइन कर लेते हैं भाई। और तो नहीं है ना, वैसे तो काफ़ी सारा है भाई, ले तो गाइस काफ़ी है आयरन। चलो गाइस यहाँ से आयरन माइन करते हुए, थोड़ा सा गाइस अंधेरा हो रहा है, थोड़ी सी टॉर्च लगा देता हूँ। तो अब ठीक है ना, अब दिख रहा है आयरन पूरा। अरे भाई कितना आयरन है भाई यहाँ पे। अरे यार ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, खैर अच्छा ही है मेरे लिए। तो भाई देखो गाइस कितनी बड़ी वेन थी गाइस आयरन की। अरे यार अरे भाई और भी है, काफ़ी है भाई।
भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो गाइस यहाँ से मुझे काफी सारा आयरन मिल चुका है, इसे कलेक्ट करते हैं ना भाई, अब कुछ और तो बचा नहीं है। तो गाइस अब ना मुझे बस यहाँ से नीचे की ओर डिग करते हुए जाना है। ऐसा करता हूँ ना, स्टेयर बनाते हुए चलता हूँ। मैंने कहा ऐसे स्टेयर बनाते हुए वाई लेवल 59 तक जाना है, वही पे मुझे लगता है डायमंड्स मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उससे पहले अगर मैं सोच रहा हूँ कोई मुझे केव वगैरह मिल जाए ऐसे नीचे डिग करते करते, ताकि मैं अपना आयरन का आर्मर तो बना पाऊँ। यार कब तक का इसे गोल्ड का आर्मर मुझे बचाएगा भाई? बात तो सही है। तो गाइस मुझे लगता है मैं माइन करते करते ने केव में आ चुका हूँ भाई। यहाँ पे लावा भी है यार, बच कर भाई। अरे यार ये लावा पता नहीं कहाँ से आ रहा है। खैर छोड़ो, मैं तो बस इससे दूर रहना है। यहाँ पे ऐसा करता हूँ थोड़ा रास्ता बना लेता हूँ लावा से दूर रहकर ही जा पाऊँ भाई यहाँ से। हाँ यहाँ पे ना गाइस मुझे आयरन भी दिख रहा है वैसे थोड़ा बहुत। तो गाइस यहाँ पे ना मैं तुम्हें ट्रिक के बारे में बताता हूँ। बस तुम्हें यहाँ पे बेड रखना है, और यहाँ पे ना गाइस तुम्हें पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक बेड रखता हूँ, फिर बस तुम्हें यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट को सेट कर लेना है। अब गाइस अगर तुम यहाँ पे मरे ना तो तुम सीधा यही पे स्पॉन होगे और अपने सामान को ईजिली तुम कलेक्ट भी कर पाओगे, तुम्हें घर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले गाइस मैं ऊपर चलकर इस लावा का कुछ करता हूँ भाई। कहाँ से आ रहा है ये? कर दिया बंद और चला जा भाई यहाँ से, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है लावा। अरे लो भाई यार मेरी पिकेक्स भी टूट गई यार। क्या छोड़ो, एक और है एक्स्ट्रा मेरे पास आयरन की पिकेक्स। तो गाइस मैं डायमंड माइन करने के लिए यूज़ करूँगा भाई। देखो गाइस जल्दी से चला जा भाई जब तक कि मैं नीचे पहुंचूं भाई। यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ, अंधेरा बड़ा है भाई। यहाँ पे भी लगा ही देता हूँ। चलो भाई अब चलते हैं आयरन माइन करते हैं गाइस थोड़ा सा। अरे भाई कितना अंधेरा है गाइस यहाँ पे, देखो भाई। अरे भाई कितना अंधेरा है गाइस, देखो वैसे आयरन भी काफ़ी सारा है भाई यहाँ पे। देखो गाइस अरे तो पूरी आयरन की माइन ही मिल चुकी है भाई मुझे। तो गाइस जितना भी आयरन है इसको माइन करता हूँ, फिर तुमसे मिलता हूँ। अरे भाई ये स्केलेटन कहाँ से आ गया? अरे निकल भाई यहाँ से, अरे निकल। अरे भाई क्या दूर से खेल रहा है भाई, इसकी बो में नॉक बैक तो नहीं है यार। अरे भाई बस कर, अरे यार जाने दे भाई। तुम्हें तो ऐसे बताता हूँ भाई, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी स्केलेटन। अरे भाई मर गया और तो नहीं है ना कोई। अरे यार ये ज़ोंबी अलग आ गया भाई। अभी भाई तुम्हारे रिश्तेदार को मार कर तुम अलग आ गए भाई, इसका बदला लेने आए हो क्या? अरे यार ऐसे तो कही मुझे मार देगा। अरे भाई बच गया और तो नहीं है ना कोई। अरे भाई हेल्थ भी कम है यार, गाइस अलग ही कोई में परेशान करने आ जाते। चलो गाइस यहाँ पे मैं अपने पहले क्राफ्टिंग टेबल लगा लेता हूँ, और ना गाइस मुझे चाहिए फर्नेस ताकि मैं आयरन को भी स्मेल्ट कर पाऊँ। कहाँ गया भाई फर्नेस, कहाँ होते है यार? अरे भाई मिल जा, मिल ही नहीं। अरे भाई ये रहे। तो भाई यहाँ से मैं दो फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ एक, यहाँ पे लगा देता दूसरा। अब ना मुझे इसके अंदर कोल डालना है, पर मुझे कोल चाहिए भी यार टॉर्चेस बनाने के लिए। उससे पहले हेल्थ फुल कर लूँ अगर कोई आ गया भाई मार। अरे यार अभी तो मैं बोल ही रहा था भाई कोई आ गया तो। अरे यार सच में आ गया भाई। अरे यार चला जा यार ज़ोंबी कहीं के भाई, दो हार्ट से भाई। अरे यार एक अकेले ज़ोंबी ने मार दिया भाई। अरे गाइस ये क्या हुआ भाई, मैं यहाँ पे क्यों स्पॉन हो गया? गाइस मुझे याद है मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था, पर मैं यहाँ पे कैसे स्पॉन हो गया भाई? अरे यार ये कैसे हुआ भाई यार, मुझे फिर से वहाँ तक जाना पड़ेगा। तुम लोग गाइस वीडियो पीछे जाकर जरूर देखना कि मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था कि नहीं यार, कमेंट में ज़रूर बताना भाई। अरे यार मैंने भी याद है भाई, इस रिस्पॉन पॉइंट लिखकर भी आया था भाई सेट हो चुका है, मैं फिर से यहाँ पे आ गया। हमने गाइस मुझे जल्दी से थोड़ा सा टाइम दो, बस सारा का सारा सामान कलेक्ट करता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ।
2000 years later. तो गाइस यार मैं वहां तक तो पहुंच चुका जहां से मैं एस्केप के अंदर गया था भाई। अब ना मुझे बस वहां तक का रास्ता ढूंढना है, बस ध्यान से नीचे जाना है भाई। अरे यार आर्मर भी नहीं, अरे भाई बच गया। अरे गाइस ध्यान से यार, और मैं कहां से आया था भाई, भूल गया। यहाँ से तो गाइस मैं नहीं आया था, कहाँ से? अरे हाँ भाई यहाँ से आया था, मैं कैसे जाऊँ? हाँ गाइस नीचे से खोद कर ही जाना पड़ेगा भाई। यार इतनी देर में वहाँ पहुँचूँगा, मेरा सारा का सारा सामान डिस्पोन हो जाएगा। अरे भाई जल्दी चलो। अरे यार कितनी नीचे भाई, हाँ यहाँ से भी और भी नीचे। तो यहाँ से खोदता हूँ, यहाँ से तो जल्दी शायद पहुंच ही जाऊं भाई। तो गाइस यहाँ से ना मुझे अपना बेड तो दिखाई दे रहा है, अब ना गाइस यहाँ से नीचे चलते भाई, पहले यहाँ आसपास देख लेता कुछ है तो नहीं ना। और गाइस मैं तो कुछ खाने के लिए भी नहीं लेकर आया भाई, ये वाटरमेलन ही है मेरे पास। अरे यार अगर मेरा सारा सामान डिस्पोन हो गया होगा तो मैं क्या करूँगा भाई, मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। मैं कुछ ज़्यादा सामान तो लेकर ही नहीं आया। हाँ यहाँ से खोदता हूँ, स्टेयर्स बना लेता हूँ भाई। पहले गाइस यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, इतनी बार करता हूँ भाई, अब तो रिस्पॉन पॉइंट सेट हो ही गया होगा। अरे यार मेरा सारा सामान रिस्पॉन हो चुका है गाइस। अरे यार ये क्रीपर, अरे यार ये ज़ॉम्बी यार, अरे इन्होंने तो गाय को मुझे घेर लिया भाई। अरे यार जल्दी से चलो भाई यहाँ से, यहाँ भी नहीं जा सकता भाई, यहाँ ऊपर ही चढ़ जाता हूँ। अरे कुछ है भी नहीं भाई मेरे पास मारने के लिए, यार स्वॉर्ड तक में। अरे निकल भाई, अरे ये फट जा क्रीपर, ज़ॉम्बी के पास आकर ही फटना भाई। अरे गाइस पहले खाना खा लेता हूँ, उसके चक्कर में ना मैं ही ना मर जाऊँ भाई। अरे यार चलो गाइस थोड़ा नीचे चलता हूँ, ये थोड़ा सा आयरन माइन कर लेता हूँ भाई, ये तो आते ही रहेंगे, मैं तो अपना काम करूँ। हाँ यहाँ पे भी है, अरे यार ये क्रीपर नीचे, अरे भाई बच गया भाई, ये लगता है ज़ॉम्बी भी गया यार इसके साथ ही, अच्छा हुआ मज़ा आया। तो गाइस वो लोग तो अभी जा चुके हैं ना शांति से, यहाँ से आयरन को माइन करता हूँ और फिर तुमसे मिलता हूँ। Let's go guys। तो गाइस मैंने यहाँ से काफ़ी सारा आयरन माइन कर लिया, अभी स्मेल्टिंग के लिए डाल देता हूँ। अरे भाई मेरे पास तो कुछ है भी नहीं यार, क्या डालूँ इसके अंदर? अरे यार ये ज़ॉम्बी अलग ही आ गया। अरे भाई बस कर यार, मेरे पास तो कुछ मारने के लिए भी नहीं है यार, पिकैक्स है भाई। अरे यार मार दिया भाई इसने फिर से। तो गाइस ये देखो मैं फिर से वहीं पे स्पॉन हो गया था, कि मेरा स्पॉन पॉइंट यहीं पे सेट था भाई। चलो भाई यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ पहले तो सपना सारा का सारा सामान, फिर इस ज़ॉम्बी को बताता हूँ। अरे निकल भाई, आयरन से ही मारूंगा तुम्हारी खोपड़ी तोड़ूंगा इस आयरन से ही। अरे मर जा भाई, कितना आयरन खाएगा? अरे भाई मर जा यार, अरे यार इसे तो ये फिर से मुझे मार देगा। अरे भाई क्रिट बच गया भाई आयरन से ही। अरे भाई निकल भाई यहाँ से। अरे यार ये तो मार ही डालेगा गाइस मुझे फिर से यार। अरे भाई यार फिर से मार दिया, कोई बात नहीं अब फिर से आऊँगा मैं, इतनी बार मारोगे भाई उतनी बार आऊँगा। अब तो ऐसे मर ही गया, लो भाई एक हाथ से ही मर गया भाई, ये तो एक हिट का ही बचा था। चलो भाई यहाँ से स्मार कलेक्ट कर ले, तो और तो नहीं आ रहा है ना कोई। अरे भाई मेरे पास टॉर्चेस भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अरे भाई अंधेरा ही बड़ा है, मैं आगे कैसे माइनिंग करूँगा? अरे यार एक कहाँ से आए जा रहे भाई, अरे यार चैन से माइनिंग भी नहीं करने देते। अरे भाई क्या भाई, पिकैक्स से ही मार दिया भाई मैंने तो इसे। तो गाइस यहाँ से मैंने थोड़े से टूल्स तो क्राफ्ट कर लिए है ना भाई, अब ना गाइस मेरे पास खाना भी नहीं, मुझे लगता है ना गाइस मुझे वापस जाकर थोड़ा सा खाना और वुड लेकर आना पड़ेगा। तो गाइस मिलता हूँ गाइस तुमसे थोड़ा सा खाना और वुड लेकर आने के बाद। अच्छा
ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ पे अपने लिए सारा का सारा सामान लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने ये पोल जैसा बना दिया कोबलस्टोन से, ताकि मुझे याद रहे मैं कहाँ से आया था। और ये देखो गाइस मैंने एक प्रॉपर रास्ता बना दिया नीचे जाने के लिए। भाई कोल मिल रहा है, भाई जहाँ से मिल रहा है उठा लो। वैसे भी कोल की गाइस बहुत कमी है भाई, टॉर्चेस भी चाहिए। इतना अंधेरा होता है नीचे भाई, कुछ दिखाई नहीं देता। कोल की तो भाई सख्त ज़रूरत है मुझे। यहाँ से ना गाइस जितना हो सके पहले कोल माइन करता हूँ। भाई कितना, भाई जितना भी मिले कम है भाई। दे दो भाई कोल, दे दो। तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरा बेड है और यहाँ पे मैं माइनिंग करने के लिए आया था भाई। तो गाइस यहाँ पे मैं जितना भी रास्ते में आते हुए कोल जो भी कुछ लैपिस वगैरह मिली था गाइस मैं कलेक्ट करते हुए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे गाइस देखो रेडस्टोन भी है। पहले तो गाइस यहाँ पे उजाला कर देता हूँ भाई। बार बार ये ज़ॉम्बी स्पॉन हो ही जा रहे हैं। यहाँ पे भी लगा देता हूँ। और तो कोई नहीं है भाई, तो मुझे लगता है यहाँ पे इतना सा ही है भाई और कुछ नहीं। यहाँ पे मेरे थोड़ा सा आयरन है, इसे गाइस मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। ये गाइस कितना कोल मिला भाई, जितना भी मुझे रास्ते में कोल मिला सबको माइन करते हुए आया हूँ भाई। आखिर कोल की कमी नहीं होनी चाहिए। पहले गाइस आर्मर बना लेते अपने लिए। कहाँ गए भाई शील्ड? अरे यार गाइस कहाँ गई? इन्वेंटरी में भी नहीं है भाई। अरे यार कहाँ गई? कहीं ऐसा तो नहीं भाई इसने खुद ही पहन लियो। पहले गाइस यहाँ से और थोड़े से प्लैंक्स लगा लेता हूँ। भाई स्टिक्स चाहिए भाई प्लैंक्स के। तो गाइस यहाँ पे मैंने थोड़े से टूल्स वगैरह भी आयरन के क्राफ्ट कर लिए, जैसे एक पिकैक्स और एक स्वॉर्ड। और गाइस यहाँ पे ऊपर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई। यहाँ पे आयरन होना तो चाहिए भाई। और तो आयरन यहाँ पे कुछ कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं ऐसा करता हूँ टॉर्चेस लगा देता हूँ भाई। ऊपर चलते हैं पहले तो। ऊपर से देखने में शायद दिख जाए कोई आयरन। हाँ ये गाइस स्टोन आ गया रे भाई, गोल्ड मिल गया भाई मुझे। चलो गाइस यहाँ से गोल्ड भी माइन कर लेते हैं, गोल्ड भी बहुत ज़रूरी है। चलो भाई अच्छा गोल्ड तो मिल गया। अब ना गाइस यहाँ से गोल्ड भी माइन करते हैं और देखते हैं आयरन वगैरह में और कहाँ मिल सकता है। वैसे तो मैं डायमंड ढूंढने आया था भाई, कहाँ ये आयरन के चक्कर में पड़ गया भाई। खैर कोई बात नहीं, जितना भी मिले भाई अच्छा ही है। आगे वैसे भी ज़रूरत तो पड़ी जाती है आयरन की। हाँ यहाँ पे और कुछ, अरे भाई डैमेज मिल गया। तो गाइस यहाँ से थोड़ा खाना खाते हम ना गाइस, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है भाई। डायमंड्स भी तो माइन करने हैं। ना गाइस मुझे थोड़ा सा और आयरन चाहिए भाई। यहाँ से स्मेल्ट हो चुका है, तो अब देखते हैं मुझे क्या क्या चाहिए भाई। जिसने तो चेस्ट प्लेट गाइस पहले ही पहन ली थी, ये बना लिया गाइस मैंने हेलमेट और ये जूते। और गाइस ये देखो भाई, ये तो अपने आप ही पहन लेता है भाई क्राफ्ट करते ही। ये अच्छा है भाई। चलो भाई यहाँ से अपना सामान उठाते हैं और चलते हैं भाई यहाँ से। क्या पता हमें डायमंड्स भी यहीं पे मिल सकते हैं। हाँ किस तरफ जाया जाए भाई, यहाँ पे रेस्टोन भी है। चलो इसे भी ले ही लेते हैं भाई, आगे बिल्ड्स में काम आएगा। तुम लोग गाइस सोचते रहोगे गाइस ये कभी रेडस्टोन माइन किए जा रहा है, ये कभी आयरन माइन किए जा रहा है, ये तो यहाँ पे डायमंड्स माइन करने के लिए आया था भाई, ये क्या करे जा रहा है? रुको जरा सबर करो। तो गाइस यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा नीचे आ गया रे भाई। यहाँ पे तो दो दो स्केलेटन्स लड़ रहे है भाई। अरे यार ये मारे जा रहे तीर भैया। आओ यार क्या ही गिरा दिया भाई। अरे एक मिनट को भाई, ने तो अभी बताता मेरा खाना खा लूँ। हाँ भाई कहाँ है गए गाइस? यहाँ पर है। हाँ ये तो आपस में लड़ने लग गए मुझे लगता है। अच्छा है भाई आपस में लड़ो भाई। अरे यार ये तो इसी तरह मारे जा रहे, पास तो आ भाई। चलो भाई मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा यार इनके पास जाने के लिए। अरे भाई क्या ही मार रहे भाई एरो। अरे यार बस करो भाई,
अरे यार इसको तो गाइस अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको जरा। अरे यार ये स्पाइडर अलग आ गया भाई, इसको तो भाई चल निकल यार यहाँ से, निकल चल निकल भाई। अरे यार, अरे भाई मार देगा यार ये तो मुझे ऐसे ही। अरे भागो भाई, अरे गाइस ये तो मुझे ऐसे ही मार देगा। पहले तो हेल्थ फुल कर लूँ भाई, अब तो बताता हूँ उन्हें। हाँ भाई कहाँ गए, वापस में मत लड़ना भाई, अब आओ तो जरा सामने। लगता है कैसे ये तो पहले ही मर गए भाई, कहाँ गया भाई। अरे यार ये किसने मारा, अरे यार ये तो यहाँ पे छुपा बैठा है, कहाँ यार पीछे से बार करता है, निकल यार। चलो भाई ये तो गया, यहाँ पे टॉर्चेस लगाकर थोड़ा सा उजाला कर देता हूँ भाई। अरे काश ये क्या है भाई, अरे कहीं एंशिएंट सिटी तो नहीं भाई। अरे यार एंशिएंट सिटी वैसे तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे भाई, वार्डन आ गया तो मैं तो अलग ही मुसीबत में पड़ जाऊँगा। अरे यार ये क्या है भाई, ऐसे अलग ही परेशान किए जा रहा है स्पाइडर, निकल भाई यहाँ से। और दो कौड़ी का दम नहीं होता भाई, आ जाते। अरे निकल भाई, बस यार लो भाई एक गया, दूसरा आया, तीसरा भी आ ही गया। अरे भाई ये चैन से जीने ही नहीं देते यार स्पाइडर, निकल। अरे भाई अब इसकी कमी थी है, ज़ॉम्बी अलग आ गया भाई। अरे यार कितने मॉब से भाई यहाँ पे, निकल भाई। अरे भाई निकल जा भाई, तुमसे नहीं हो पाएगा। चलो भाई ये तो मर गया भाई। यहाँ से यहाँ पे कुछ होगा क्या, अरे यार अब कौन आ गया। अरे भाई, अरे भाई निकल भाई यार, दो मिनट में आ जाते भाई कोई ना कोई, चैन से माइनिंग भी नहीं करने देते यार। तो यहाँ पे टॉर्चेस लगा देता हूँ भाई, कितना दे रहा है यार। सर तो वापस चलता हूँ, वहीं पे चलते गए जहाँ पे हमें लावा पूल देखा था वह। वह मुझे लगता है ना गाइस वहाँ पे मुझे खुले में डायमंड्स मिल सकते हैं। अरे भाई यहाँ पे भी तो वैसे काफ़ी अंधेरा है यार, यहाँ पे भी ये ज़ॉम्बीज की कमी थोड़ी ना है भाई। आ जाते लो भाई, स्पाइडर लगा गया। अरे भाई दोनों मिलकर मार रहे भाई, मारना मत भाई। यार बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ, एटलीस्ट यहाँ से डायमंड तो लेकर ही जाऊँगा। तो यहाँ से ले लेते पहले और टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता भाई मैं, पता चला टॉर्चेस ख़त्म हो गई। वैसे तो गाइस काफ़ी अंधेरा है यार यहाँ पे, तो गाइस अब यहाँ पे भी जाएंगे टॉर्चेस को प्लेस करते हुए जाएंगे भाई यहाँ। अरे यार क्या है भाई, यहाँ तो एक भी डायमंड नहीं मिल रहा है यार, डायमंड छोड़ो यहाँ तो मुझे आयरन भी नहीं दिख रहा। अरे भाई यहाँ पे मिला भाई एक आयरन। अरे अरे भाई, अरे भाई भाई भाई, अरे भाई जला दिया भाई। अरे यार कोई पानी डालो। अरे यार, अरे मर गया यार, अब मुझे फिर से गाइस वहीं पे पहुँचना पड़ेगा। तो गाइस वहीं पे पहुँचता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ भाई, कहाँ गया भाई मैं। अरे यार कितनी दूर था भाई, मुझे पता नहीं भाई वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे सामान ना डिस्पोन हो जाए। तो आज मिलता हूँ मैं तुमसे वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो गाइस मैं वहाँ पे तो पहुँच तो चुका भाई, मेरा सामान कहाँ है भाई। अरे यार गाइस यही रहा मेरा सारा का सारा सामान, जल्दी से उठा लेता हूँ। हाँ यहाँ पे और भी सामान है भाई, मेरा आयरन, मेरा आर्मर कहाँ है भाई। अरे अरे यार ये ज़ॉम्बी अलग आ गए भाई, मुझे तो आर्मर भी नहीं पहनने दे रहे। अरे भाई बस करो भाई, चलो अच्छा हो भाई पीछे रह गए, ये मेरा आर्मर है भाई, चलो पहन ले तो। अरे भाई, अरे भाई बस बस, अरे भाई बस करो भाई आर्मर तो पहनने दो। अरे भाई इतना भी क्या अग्रेसिव होना यार कि आर्मर भी नहीं पहनने दे रहे भाई। चलो गाइस अब शांति से आर्मर पहनूंगा। अरे भाई बहुत परेशान कर दिया इन ज़ॉम्बीज ने। अरे भाई अभी तो नीचे आया था भाई, अरे यार ये फिर से मार देंगे भाई मुझे। निकल 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 भाई, बच गया। अरे यार एक और आ गया भाई, आया पता नहीं कहाँ से। रे भाई जा पूछ क्या।
अरे भाई बाल बाल बचा गाइस इन ज़ोंबी। अरे यार कहीं जा रहे भाई। तो गाइस मुझे कब से गाइस ये आयरन दिखाई दे रहा है यार, माइन ही नहीं करने दे रहे भाई ये। अरे भाई और तो नहीं है गाइस, आसपास देख लेता हूँ एक बार, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा भाई हेल्थ। अरे यार, अरे गाइस, अरे भाई ये मैंने गाइस अभी क्या देखा भाई। भाई जल्दी से चलता हूँ भाई, फिर तुम्हें दिखाता हूँ भाई मुझे क्या दिखा भाई अभी। तो गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका, तुम जरा ये तो देखो। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? अरे भाई यार गाइस इसमें ऐसा भी होता है। अरे भाई ये छोटा ज़ोंबी अलग ही पीछे पड़ गया भाई। अरे यार ऊपर से आर्मर भी मेरा चोरी कर लिया भाई ज़ोंबी ने। अरे भाई ये गाइस यार निकलो भाई यहाँ से। अरे भाई यार ये छोटा अलग ही पीछे पड़ा है भाई, ऊपर से मेरा आर्मर भी चुरा लिया भाई। गाइस मुझे नहीं पता था भाई इसमें ऐसा भी होता है भाई, जो मॉब्स और दूसरे का आर्मर भी पहन सकते हैं भाई। उसने तो भाई से एक सेकंड लाया भाई आर्मर पहनने में मेरा। अरे भाई निकल भाई। अरे ये देखो भाई मेरी स्वॉर्ड भी आए उसके पास। अरे भाई बस कर भाई, अब मार कर दिखाओ भाई। पहले तो भाई इसके चेलों को मारता हूँ भाई, फिर इसे बताता हूँ। अरे यार कुछ है नहीं, अच्छा हुआ इस मेरे पास स्टोन की स्वॉर्ड तो है एटलीस्ट। अब निकलो भाई, अभी बताता हूँ भाई तुम्हें। अरे थोड़ा सा क्राउच कर लूँ भाई, ऐसे बस हिट ना मार दे भाई मुझे। अरे निकल, क्यों भाई इतना बड़ा हो गया मेरा आर्मर पहनेगा। अरे निकल भाई, मेरा आर्मर पहनेगा इतना बड़ा हो गया भाई। चल निकल जल्दी से आर्मर उतार दे भाई मेरा, नहीं तो इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा ना आगे से आर्मर पहनने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। चलो निकलो भाई। यार अच्छा हुआ इसे गया। अरे लो भाई एक ने उतारा दूसरे ने पहन लिया। अरे भाई इतना बड़ा आर्मर है तुम्हारे पे फिट कैसे हो गया? क्यों भाई इतने बड़े हो गए हो, तुम्हारा तो साइज भी छोटा है मेरा आर्मर पहनोगे। निकल भाई यहाँ से। अरे भाई कितने हिट खाएगा, मर जा भाई, आर्मर दे दे मेरा। अरे यार गाइस आर्मर की वजह से इसको एक्स्ट्रा मारना पड़ रहा है भाई। अरे यार ऊपर से मेरा आर्मर भी डैमेज हो जा रहा है। अब तो निकल भाई, अच्छा हुआ यार गया यार, ये परेशान कर कर रख दिया भाई। अरे यार मेरा आर्मर भाई हेल्थ देखो भाई कितनी कम कर दी यार इसकी, ये तो ऑलमोस्ट टूटने को आया भाई। अरे यार जल्दी से ना गाइस इससे सब कुछ अरेंज कर लेता हूँ अपनी इन्वेंट्री को, और फिर गाइस जहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लोरेशन करते हैं डायमंड्स की। आई होप गाइस मुझे यहाँ पे थोड़े से बहुत डायमंड्स तो मिलने ही चाहिए गाइस, यहाँ इतनी बड़ी केव है भाई यहाँ पे। तो लेट्स गो गाइस फाइंड करते हैं थोड़े से डायमंड्स को। तो गाइस मुझे लगता है यहाँ पे मुझे मिलने तो चाहिए भाई थोड़े से डायमंड्स। वैसे मैं तुम्हें बता दूं भाई मेरे पीछे ना गाइस ज़ॉम्बीज लगे पड़े हैं भाई, उनसे ही तो बचकर भाग रहा हूँ। वो देखो गाइस आ रहे हैं। पहले गाइस खाना खा लेता हूँ, हेल्थ वाइज एक हिट मारते भाई दो दो तीन तीन आठ ले जाते। अरे भाई चलता हूँ भाई, यहाँ पे वैसे एक भी डायमंड नहीं मिला भाई मुझे। मैं घूम फिर कर फिर से वहीं पे आ गया। अरे यार क्राफ्टिंग टेबल रखता हूँ भाई यहाँ पे, मुझे कुछ बनाना था। हाँ पहले वैसे प्लैंक्स बना लेता हूँ। अब कहाँ से आ रहे भाई, एक तो इनका भी ध्यान रखना पड़ रहा है भाई, कहाँ से आ जाइए। चल निकल भाई यहाँ से, परेशान करके रख दिया भाई। अब कौन आ गया? अरे यार एक जाता दूसरा आता। अरे भाई मैं डायमंड्स कब माइन करूँगा यार, इसके चक्कर में रहा तो भाई डायमंड्स भी माइन करना ही भूल जा भाई। अरे भाई यहाँ से गाइस एक भी डायमंड नहीं मिला भाई मुझे। अरे भाई निकल यार गाइस, एक पीछे ही पड़ जाते यार एक बार तो। मुझे ना जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ। अरे भाई यार गाइस मैं कब से घूम रहा हूँ, मुझे एक डायमंड भी नहीं मिल रहा, ऊपर से ज़ोंबी अलग ही पीछे पड़ रहे हैं भाई। अरे भाई यार गाइस फाइनली मुझे एक डायमंड तो मिला। पहले मैं गाइस इसे निपटाता हूँ भाई,
हाँ भाई, क्या है बड़ी चौड़े, तुमने गोल्ड का आर्मर पहन कर आए हो? ओ भाई गया यार, एक गोल्ड का पीस भी नहीं दिया भाई। अरे यार, एक डायमंड ही मिला भाई मुझे तो। यहाँ पे गाइस ये देख रहे हो भाई, आयरन भी एक ही है भाई। कैसी केव है भाई ये, इससे अच्छा तो गाइस मैं वाइल्ड लेवल 59 पे जाकर अब तक तो गाइस मुझे काफ़ी सारे डायमंड मिल जाते भाई इस केव से। अच्छा तो भाई देखो गाइस, इतनी देर में मुझे बस इतना ही सामान मिला यार। तो गाइस मुझे ना यहाँ पे मैं थोड़े से ना डायमंड्स दिखाई दिए थे, और ये देखो गाइस यहाँ पे वो डायमंड्स, तो मैं यहाँ पे इसे माइंड करने के लिए आ गया भाई। दूर से दिखाई दे रहे थे भाई यहाँ पे, तो देखते कितने भाई, अरे लगती नहीं है भाई यहाँ पे डायमंड्स। तो गाइस अब मैं यहाँ से ना मैं जाने वाला हूँ भाई, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा भाई और डायमंड्स मिल पाएंगे। तो लेट्स गो गाइस, अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधे वहीं पे पहुँच के जहाँ पे ना गाइस मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट किया था, और वहीं से ना गाइस हम अपनी वाई लेवल 59 तक माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं भाई। डायमंड्स भी अभी माइन करने हैं यार, ये देखो गाइस बस इतने डायमंड्स हुए भाई मेरे पास अभी। तो लेट्स गो गाइस, मिलता हूँ तुमसे सीधे वाई लेवल 59 तक पहुँच कर। तो गाइस देख सकते हैं मैं वाई लेवल 59 पर पहुंच चुका हूँ। मैंने यहाँ पे एक चेस्ट और एक क्राफ्टिंग टेबल और यहाँ पे अपना बेड भी उठाकर लेकर आ चुका हूँ, और अपने लिए पिकेक्स भी क्राफ्ट कर लिए। अपने गाइस शुरू करते हैं माइनिंग। तो मैं ऐसे करते हुए यही से माइनिंग करना शुरू कर देते भाई। आई होप गाइस जल्दी से जल्दी डायमंड्स मिल जाए भाई, और कितना टाइम हो गया भाई मुझे इन केव्स में घूमते हुए। तो लेट्स गो गाइस, अब जल्दी से माइनिंग करते हैं और डायमंड्स मिलते हैं, फिर तुमसे मिलता हूँ भाई। तो गाइस मैं यहाँ पे माइनिंग करते करते भाई कहाँ तक आ गया भाई मुझे भी नहीं पता भाई। अब ना गाइस मैं जैसे माइनिंग करने वाला हूँ ऐसे तो गाइस मुझे एक ना एक डायमंड तो मिल ही जाएगा भाई। भाई कितनी देर हो गई भाई, मुझे एक डायमंड नहीं मिला भाई। लगता है भाई एक घंटे से या इसमें माइनिंग कर रहा हूँ भाई, मुझे एक डायमंड तक नहीं मिला भाई एक घंटे से माइनिंग। अरे यार इसी लेवल पर तो मिलते हैं ना डायमंड्स। अरे भाई मुझे तो अभी तक एक भी डायमंड नहीं मिला। अरे भाई यार पता नहीं गाइस कब तक मिलेंगे। तो गाइस मिलता हूँ गाइस जब भी मुझे डायमंड मिलते हैं भाई। लेट्स गो गाइस, पता नहीं गाइस कितने टाइम में मिलेंगे। अरे भाई यार कब से माइनिंग किए जा रहे हो, एक डायमंड तो दिला दो। अरे भाई बस एक, अरे भाई लगता है गाइस अरे भाई मुझे मिल गए भाई फाइनली गाइस मुझे एक डायमंड। देखते भाई कितने डायमंड मिले भाई। अरे फाइनली गाइस यार, काफ़ी देर से माइनिंग कर रहा था भाई, लगभग गाइस मुझे एक घंटे से ज़्यादा हो गया भाई, एक घंटे से। लो भाई पिकैक्स भी टूट गए। अरे भाई अरे देखते भाई कितने डायमंड्स मिले भाई। एक तो गाइस एक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई, इतनी देर से लगाऊं भाई। देखते भाई माइन कर अरे एक ही है भाई यार। ए यार एक ही डायमंड दिया भाई इतनी देर माइनिंग करने के बाद। यार एक तो ये रेडस्टोन अलग ही मिल रहा है भाई। अरे भाई यार ऐसे तो गाइस काफ़ी टाइम लग जाएगा मुझे। तो गाइस अब ना मैं तुमसे सारे के सारे डायमंड्स को माइन कर ही मिलता हूँ भाई। वैसे भी गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है भाई, यार ऐसे करता रहा भाई 2-3 घंटे की वीडियो तो आराम से बन जाएगी भाई। तो गाइस मिलता हूँ तुमसे सारे के सारे डायमंड्स को माइन करने के बाद। लेट्स गो गाइस, फिर तो मुझे गाइस उसे ढूंढना तो पड़ेगा भाई, फिर ही माइन करूंगा ना। बात तो सही है। तो फाइनली गाइस मैं इतनी देर माइनिंग करने के बाद अब वापस जा रहा हूँ भाई।
अरे यार मैं थक गया भाई इतनी माइनिंग करते करते। यार मैं कहाँ से आता भाई, भूल गया। अरे भाई ये रहा मेरा बेड। तो गाइस हमने, मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई मैं ये माइनिंग से आखिर क्या क्या मिला भाई। तो भाई सबसे पहले तो ये चेस्ट देखो भाई कितनी भरी पड़ी है भाई डीप स्लेयर से। और ये गाइस ये खाली चेस्ट है, इसमें डाल देता हूँ भाई। तो भाई मैं इसे थोड़ा सा ना अरेंज करता हूँ, फिर तुम्हें दिखाता हूँ कि गाइस मुझे क्या क्या माइनिंग से मिला भाई। तो लेट्स गो गाइस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो फाइनली गाइस अब तुम देखने के लिए तैयार हो कि मुझे इतनी देर माइनिंग करने के बाद भाई क्या क्या मिला भाई। तुम गाइस देख कर हैरान हो जाओगे भाई कितना सारा कुछ मिले, आइटम्स मिले भाई। तो गाइस उससे पहले कि गाइस तुम कमेंट में ज़रूर बताना कि मुझे आखिर कितने डायमंड्स मिले हो सकते हैं भाई इस माइनिंग से। कोई गाइस चीटिंग मत करना भाई, आगे स्किप कर भाई कमेंट मत करना भाई प्लीज़ भाई। भाई ज़रूर बताना भाई मुझे इतनी देर माइनिंग से आखिर कितने डायमंड्स मिले। अरे भाई यार मैं कहाँ घुस गया भाई ये। अरे यार गाइस एक मिनट दो भाई, मुझे ज़रा सही कर लूँ अपना ये कैमरा एंगल भाई, सही कर मिलता हूँ भाई तुमसे, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे माइनिंग से क्या क्या मिला भाई। तो गाइस अब ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे माइनिंग से आखिर क्या क्या मिला। और ये चेस्ट खोलते भाई ये देखो गाइस इसमें सारा कूड़ा कवाड़ा है भाई जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो गाइस अब ये चेस्ट को छोड़ो, इसमें भाई पहले देख लेता हूँ मुझे कुछ काम का सामान तो नहीं है ना। हाँ नहीं है। तो गाइस अब बढ़ते हैं इस चेस्ट की ओर, इसमें गाइस है ये देखो इतना सारा डीप स्लेट और कोबलस्टोन। ये देखो भाई कितनी देर माइनिंग से कितना सारा। अब तो गाइस ये बच गया है, अब ये वाली चेस्ट है जिसका तुम इंतज़ार है। आखिर मुझे कितने डायमंड्स मिले हो सकते हैं इस चेस्ट में, गैस करो भाई। तो गाइस देखते गाइस हमें कितने डायमंड्स मिले इस चेस्ट में। और ये देखो, तो गाइस इतनी देर माइनिंग करने के बाद हमें मिले सिर्फ 34 डायमंड्स और एक एंडरपल। भाई यार हमने एंडरमैन मारा था भाई। तो गाइस ये देखो बस इतने से डायमंड मिले भाई, इतनी माइनिंग की भाई। पता नहीं गाइस कितने डायमंड्स यार कहाँ मिलेंगे भाई और डायमंड्स। तो गाइस अभी के लिए जितना भी ये सारा का सारा सामान है ना भाई इसे उठाते और चलते भाई घर की ओर। भाई माइनिंग करते करते भाई मैं तो थक गया भाई। तो भाई ये सारा का सारा सामान उठाता हूँ और तुम्हें मिलता हूँ सीधा घर में। अच्छा होगा इस मैंने कोऑर्डिनेट तो नोट किए, वैसे ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं थी भाई कोऑर्डिनेट्स की। मेरे जैसे वो स्टेयर्स है ना गाइस मैंने बनाई हुई है, सीधे मेरे घर के पास ही निकलेगी भाई। तो गाइस ये देखो कितना सारा स्टोन डीप स्लेट है। तो ऐसा करते गाइस थोड़ा सा कोबल स्टोन और डीप स्लेट भी लेकर चलते हैं। तो लेट्स गो गाइस अब मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा घर पे पहुँचने के बाद। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। तो फाइनल गाइस इतनी देर माइनिंग करने के बाद मैं अपने घर पर आ चुका हूँ भाई। अरे भाई माइनिंग से गाइस बहुत थक गया भाई। और यहाँ पे गाइस एक क्रीपर फट गया था। चलो गाइस अंदर चलते। अरे भाई ये आयरन कॉलम पता नहीं किसके पीछे पड़ा है, खैर मुझे क्या। तो गाइस मिलता हूँ मैं तुमसे ये सारा का सारा सामान रख कर। हाँ भाई ये सारा सारा सामान को चेस्ट में डालता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ बस दो मिनट में। तो फाइनल गाइस मैंने सारा का सारा सामान चेस्ट में भर दिया है भाई। अब ना गाइस मुझे अपने लिए बस एक डायमंड का आर्मर बनाना है। हाँ उसके लिए गाइस मुझे अपने चेस्ट में से ना डायमंड्स लेकर आने पड़ेंगे। ये भी उठा ही लेता हूँ भाई, ऊपर वाले चेस्ट में डाल दूंगा अपनी ट्रेजर चेस्ट में। यहाँ से गाइस मैंने ये कॉपर वगैरह पता नहीं क्यों ले लिया भाई, इसका कोई काम भी नहीं है यार। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं, यहाँ से उठाते हैं अपने डायमंड्स। अरे भाई 34 डायमंड मिले भाई मुझे। तो खैर कोई बात नहीं गाइस यहाँ से उठा लेते हैं। आगे फॉर्चून लेकर जाता ना भाई, एक स्टैक से ज़्यादा ही मिलते यार। अरे भाई अगली बार तो भाई फॉर्चून से माइन करूँगा भाई। अरे यार
तो गाइस अब जल्दी से क्राफ्ट कर लेते हैं एक फुल डायमंड आर्मर। पहले तो भाई एक सड़ा गला आर्मर उतार दूं भाई, ऊपर से खत्म एचपी है भाई इसकी। और ये गाइस उतार दिया सब कुछ। अब ना गाइस पहनाते हैं इसको डायमंड का आर्मर। तो गाइस ये सारा का सारा आर्मर जाएगा यहाँ पे। तो गाइस अब ना जल्दी से बनाते हैं अपने लिए पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर। तो सबसे पहले गाइस क्राफ्ट कर लेते हैं अपने लिए चेस्ट प्लेट और ये एक हेलमेट, और गाइस यहाँ से एक लेगिंग, और फाइनली हमारे जूते। तो लो भाई यार गाइस ये तो हो चुका है भाई। अब देखते जरा गाइस ये देखो भाई फुल डायमंड आर्मर। भाई यार गाइस इतनी मेहनत लगी भाई इस डायमंड को आर्मर को बनाने में, भाई बता नहीं सकता भाई माइनिंग कितनी करनी पड़ी भाई। तो गाइस अब जल्दी से लग गया टूल्स भी तो बना ही लेते हैं ना, उसे क्यों छोड़ना भाई, सारे के सारे टूल्स भी बना लेते जितने डायमंड्स बच गए। तो ये गाइस स्वॉर्ड बन गई, ये हमारी बन गई पिकैक्स, ये बन गई एक्स, सॉरी यार गाइस अब पिकैक्स बनी भाई। अब बना लेते हैं शवल। शवल कहाँ है भाई, ये रही भाई शवल भी बन चुकी है। तो गाइस अब हम हो चुके पूरे के पूरे डायमंड आर्मर और टूल्स से कवर्ड। तो फाइनल गाइस आज के इस वीडियो का टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है जो कि था फुल डायमंड आर्मर। और गाइस इससे ना गाइस हमें अब आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी हमें कुछ भी बिल्ड करने के लिए। तो गाइस इसीलिए मैंने सोचा ना पहले ना डायमंड का आर्मर बना लेते हैं ताकि ना गाइस हमें आगे चलकर ना बिल्ड्स में या फिर कुछ भी और कोई चीज़ में दिक्कत ना हो भाई। आखिर अबे हमें गाइस एंचेंटमेंट्स भी तो नहीं है यार हमारे पास एफिशिएंसी वगैरह। तो मैंने सोचा ना गाइस पहले हम डायमंड का आर्मर इक्विप्ड कर लेते हैं फिर हम बाकी की चीज़ें बाद में देखेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले गाइस जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर देना, जो लोग भी गाइस चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो के लिए गाइस मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी भाई इस आर्मर को लेने के लिए भाई, इतनी देर माइनिंग की ना भाई पूछो ही मत भाई। एक लाइक तो गाइस बनता है इस आर्मर को गिफ्ट करने के लिए। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट की और एक नई वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर। वैसे गाइस इस वीडियो का लाइक एम 10 लाइक्स है प्लीज़ कंप्लीट भी कर देना भाई जाते जाते। तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।